بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ریبہ دیکھیں ادھر بسم الله الرحمن الرحيم 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 صلى الله على حبيبه محمد وعلي وسلم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيبه محمد وعلي وسلم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيبه محمد وعلي وسلم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيبه محمد وعلي وسلم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيبه محمد وعليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيبه محمد وعليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيبه محمد وعليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيبه محمد وعليه وسلم जब गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं होती तो फिर धक्का स्टार्ट करनी पड़ती है। तो चूंकि प्रोग्राम को वार्म अप करने के लिए दुरूद शरीफ की कसरत रखनी पड़ती है ताकि खैर व आफियत के साथ ये प्रोग्राम पाया तकमील को पहुंचे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अलैहि वसल्लम। आज इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से बहुत मज़ा तो आया है तलावत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मोहम्मद वाली वसलम। वो जो आप देखते हैं ना अरीबा फैमिली और अल्लाह वाली पार्टी टेंस पाटा, तो आज दो जलेबियाँ खाइए आपको लग रहा होगा कि आई एम फिजिकली फिट टुडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मोहम्मद वाली वसलम। कोमल खान और एनी तौकीर और उस्मान तो अभी तक नज़र नहीं आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एनी तौकीर आपने समझना है और हमने इस 31 तारीख को अपने पीर साहब की बारगाह में जाना है सुबह 6 बजे। यू मस्ट गेट रेडी विद योर हस्बैंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मोहम्मद वाली वसलम। हम चाहते हैं कि इस मरतबा आपको ले जाएं और यकीनन संडे ही होगा, संडे नहीं होगा तो फ्राइडे होगा, तो यू शुड गेट लीव, नो एक्सक्यूज। एनी तौकीर एंड तौकीर अब्बास देयर रेडी। चूँकि देखो मौत तो आती है, वो चाचा जी मर गए, लाला जी मर गए, सब ने मर जाना है और हम तो पहले ही आप पे मर गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जीते जी मर गए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मोहम्मद वाली वसलम। शाजिया जी थैंक यू वेरी मच। तारा खान वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारे स्टूडियो में अरीबा और उनकी वालदा मोहतरमा भी तशरीफ लाई हैं और वो जलेबियाँ और दूध जो है वो भी हमने खाया उनकी वजह से। और असल में देता तो अल्लाह ही है, अल्लाह ना दे तो बंदों के पास तौफीक नहीं होती, वो सबब बनाता है, मुसब्बिबुल असबाब है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ का बंदोबस्त फरमा देते हैं। अल्लाह की तरफ रागिब रहना चाहिए, अल्लाह से इल्तिजा करते रहना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन को लाना चाहिए। ये जो एनसीसी पाक फैमिली है इसको एक और नेक होकर जीना है, ऐसे जीना है जैसे सर्च लाइट जीती है ना, सर्च लाइट एक खंबे पे लगी होती है पूरे इलाके को वो रोशन करती है। तो हमारी भी तमन्ना यही है, आरजू यही है और क्या हो सकता है, बस तमन्ना और आरजू तक ही रहते हैं। ख्वाहिश यही है कि हम बिल्कुल ऐसे ही जिया करें जैसे एक बल्ब जीता है। बल्ब काम तो करता है ना, जीरो जीरो का बल्ब होता है वो भी तो राह दिखाता है, तो ये जो सर्च लाइटें हैं ये तो सारों को रास्ता देती हैं।
और गाड़ी की लाइटें अगर ठीक हो तो दूर तक नजर आता है। तो अब आपने अपने वीएम को भी ठीक करना है, यानी देखने की जो कह लें इस्तेताद है, पावर है, उसको बढ़ाना है। अल्लाह हू अकबर। यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन, इसको लेकर आना है। दूसरों के बारे में जो कह लें गलतफहमियां पैदा होती हैं, उनसे बचना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही मोहम्मदिन अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही मोहम्मदिन अलैहि वसल्लम। हमारी एक बेटी है ना, लाडली सी, एक सिदरा रहती है लाहौर में, वो भी बहुत लाडली है, एक सिदरा रहती है बांग्लादेश में। और ये भी बात कंफर्म हुई कि डॉक्टर कामरान असगर शेख साहब ने भी रोजा रखा था 16 दिसंबर को। तो चूंकि जब आप शिकायत करते हैं तो पता लग जाता है कि वो कहते हैं हमने भी रखा था, तो अगर एडवांस में बता दें तो ये जो मार्केटिंग है ये साथ साथ चलती है। असल में हुआ क्या है कि जो जितने नेक लोग हैं, नेक लोग, उन्होंने मैदान को छोड़ दिया और मस्जिदों में और जंगलों में और घरों में बैठकर अल्लाह अल्लाह शुरू कर दी। और जो फिल्मी दुनिया के लोग थे और मीडिया के लोग थे, इन्होंने अपने काम को इतना प्रमोट किया कि घर बैठे केबल पे आप वो जो कॉमेडियंस प्रोग्राम्स हैं वो आप सुनते रहिए, वक्ती तौर पे हंसते रहिए, अंदर आग लगी हुई है। तो असल तो अंदर को ठीक करना है। अगर अंदर फिट है आपका तो फिर तो मामला बड़ा हिट है। तो वो जो बाबा की लाडली है, उसके जो मैसेज हैं वो देखते हैं कि अरीबा कैसे सुनाती हैं। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बाबा आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगती है हमें। बाबा आपने कहा ना कि पीर मिले और प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो कोई बात है। सच बाबा, आप मिले और प्रॉब्लम जा रही हैं धीरे धीरे। बाबा हमने कहा था ना कि हम आपका फैज भी लेंगे और आपको भी। देखा आपने, आपको तो हम ले ही आए, कभी नहीं छोड़ेंगे। वाह जी वाह, वाह जी वाह, नहा धो के लगता है सिदरा पीछे पड़ गई हो। और वो जो बात हम करते रहते हैं ना कि मैं तो दीवानी, ख्वाजा की दीवानी, अब ये तो सिदरा है, ये भी दीवानी हो गई है। ये हमारी बेटी है, बड़ी लड़ली सी, और ये भी कहती है मैं बाबा की दीवानी। जो मदर्स ऑफ द पीपल आर सिक एंड हॉस्पिटलाइज्ड, अल्लाह सुबहान व तआला उनको सेहत कामला देकर सीधे रास्ते पर लगा दे, काम पर लगा दे। असल में काम क्या होता है और मोहब्बत क्या होती है, दो मुख्तलिफ चीजें। देखें कितनी अच्छी आ रही है वहां पे, देखें अच्छे लोगों की अच्छी आती ना। हमने आज अरीबा ने और हमने मिलकर दो वीडियोस बनाई, आपसे शेयर करेंगे बहुत जल्दी। और उसमें एक तो दुरुस्ते खिजरी शरीफ के बारे में आके मिल के, जैसे वो डुएट होता है ना, डुएट कभी सुना है आपने? डुएट उस गाने को कहते हैं जिसमें दो यानी मेल फीमेल मिल के गाने गा रहे थे। तो हमने मिल के तिलावत की आज, और देखते हैं कि ये जो हमारी तिलावत है ये आपके दिल को ठक 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 करेगी, नॉक करेगी या नहीं करेगी, क्या दिल के दरवाजे खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, या जो पर्दे पड़े हैं वो पड़ ही रहेंगे। तो पहले पर्दे डालने चाहिए और पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो फिर भेद खुल जाएगा। ये जो हमारे सारे पीरो मुर्शिद ना सब रास में रहे, पर्दे में रहे, छुपे रहे, जैसे अल्लाह सुबहान व ताला भी छुपे हुए हैं ना, नजर तो नहीं आते, मिलते तो नहीं है, और लेकिन देते वही हैं, खिलाते वही हैं, हंसाते वही हैं और बसाते वही हैं। ये जो रुलाने वाला काम है ना, ये आपका अपना जाती काम होता है कि हर वक्त रोते रहना। और बाजू का शैतान रुलाता रहता है कि अगर वो ना होता तो मैच किससे खेलते हम? तो हमारा जो मैच है वो मिस मैच नहीं है, यानी हमने जो इज़दवाजी जिंदगी गुजारी अपनी बीवी के साथ, द बेस्ट लाइफ वी स्पेंट, और जितना उसने कोऑपरेट किया हम उसके बहुत मशकूर हैं। और अल्लाह सुबहान व तआला उसके और वहां पे दर्जात बुलंद करे कि उसने हमें बिल्कुल ऐसे परेशान नहीं किया, तंग नहीं किया किसी भी बात पे। तो अल्लाह करे कि सारी बीवियां जो हैं सब की अपने मियाओं को राजी कर ले। और ऐसा भी मतलब अगर ये सारी जो कह लें लड़कियां जिनकी शादी हो गई और ये मियाँ से नाराज हो गई किसी भी बात पे, कोई ना कोई वजह जरूर होती है, तो
सब अपनी दरखास्तें वापस लेकर, यानी खुला की दरखास्तें दी हुई हैं वापस ले लें, और एक बार सॉरी भी कर लें, चूंकि कल भी हमें पता लगा कि एक लड़की ने अपने मियाँ से लड़ाई कर ली है, तो हमने फौरन कहा कि आप सॉरी करें, चाहे गलती मियाँ की है या आपकी है, सॉरी उसको करना पड़ेगा जो हमारे साथ अटैच है। बस चूंकि हम तो आए ना लोगों को इज्जत देने के लिए, प्यार देने, मोहब्बत, और कल ऐसा हुआ भी है कि हमारा बेटा भी किसी जगह जाकर उसने वो ड्यूटी सर अंजाम दी, यानी मियाँ बीवी में लड़ाई हो गई और इतनी शिद्दत की होगी कि मारा पीटी पे, यानी पूरे खानदान आपस में क्लैश, तो बेटे ने जाके सुलह कराई। असल काम तो यही था कि हम सुलह और मोहब्बत से सफाई के साथ जिंदा रहते हैं, मौज करते हैं, मज़े लगाते हैं। और अभी जो अरीबा ये जो पढ़ रही है बेचारी, 60,000 और 51,000, 59, 57, इनकी बड़ी बहन है ना, वो भी अब नमाजें पढ़ने लगी है, रोजे रखने लगी है और बहुत ही नेक हो गई है, तो कितना शुक्र किया जाए कि अगर ये जवान लड़कियां जवानी में अल्लाह की तरफ लग जाएं, इनको ये सिर्फ एक हकीकत पता लग जाए कि हमें भेजा ही अल्लाह ने है। और ये जो सुर्खी पाउडर और पता नहीं क्या क्या होता है ना, चूड़ियां और बंदे कांटे, इससे निकल कर राबिया बसरी की तरह जिंदगी गुजारते ना। राबिया बसरी जो है वो कमाल की माँ है हमारी, कमाल की, यानी उनकी जो सिफात है वो बयान ही नहीं की जा सकती। तो बस जीना है तो राबिया बसरी की तरह। तमाम लड़कियां जिन्होंने अगर जिंदगी में कुछ करना है तो दो बड़े काम है, एक तो अल्लाह को राजी करना है, एक अपने मियाँ को राजी करना है, जिनकी शादियां होगी, और जिनकी शादियां नहीं हो रही, पैसे नहीं है, रिश्ते नहीं है, तो डोंट वरी, सब कुछ आएगा, सब कुछ मिलेगा अल्लाह के फजल से, सब कुछ होगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। भाई अब चूंकि जो मैच है अरीबा फैमिली के साथ, यानी अल्लाह वाली पाक जो फैमिली है, ये एक फैमिली अगर 50-60 हज़ार मरतबा दुरूशी पढ़ सकती है तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते? आप मैच क्यों नहीं खेलते? आप हमें बताते क्यों नहीं कि हम क्या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मोहम्मद अलैहि वसल्लम। तो कौन बनेगा करोड़पति विद इन 3 ईयर्स? जो पढ़ना चाहता है मिनिमम 10,000 मरतबा, और एक घर के अंदर से एक शख्स भी 10,000 पढ़ सकता है। तो अगर ये जो अरीबा है ये 38,000, 39,000, 40,000 पढ़ती है, तो और वो जो फारूक साहब हैं वो तो कभी कभी लाख पढ़ जाते हैं। तो 31 जुलाई को हमने जाना है अपने पीर साहब के पास, और पीर मिले और पीड़ न जाए, पीर मिले और पीड़ न जाए तो की लेना उस पीर नू फड़ के हु। ये हम तो क्या, हमारी क्या हैसियत है? ये बात है हजरत सखी सुल्तान बाउट रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि पीर मिले और पीड़, पीड़ दर्द को कहते हैं, अगर दर्द ना जाए, जैसे हमारी बाजी कहती है इधर दर्द है उधर दर्द है, मैं सोच रहा ना मैं शीशा लेके तथा पीर मिले पीर मिले और पीड़ ना जाए तो की लेड़ा उस पीर को फड़के। और बाबा जी फरमाते हैं हजरत सखी सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह कि इल्म पढ़िया अदब ना सिखिया ते की लेना इस इल्म नू पढ़ के हो। यानी वो लोग जो आलिम होते हैं, इल्म रखते हैं, उनको अदब अदाब अगर नहीं आते तो इल्म का कोई फायदा नहीं। और सबसे बड़ी रुकावट आपके और अल्लाह के दरमियान में आपका इल्म और आपके तजर्बे हैं, क्योंकि आप हर चीज को लॉजिकल, सेंसिबल और पता नहीं किस किस बल पे नापते तोलते रहते हैं। और वो जो बेवकूफ लोग होंगे, बेवकूफ जो अपने आप को समझते भी होंगे, और दे विल प्रूव एज ए इंटेलिजेंट पीपल, यानी वो बेवकूफ सिर्फ दुनिया के सामने बने होंगे और होंगे अंदर से वो इंटेलिजेंट, दे विल डायरेक्टली गो टू द जन्नत, इधर मरेंगे उधर सीधे जन्नत में। तो टिकट बनाओ, लाइन कटाओ तो टिकट कटाओ, किने किने जाना अल्लाह ने कहा, अल्लाह अकबर। तो हमने अपने रब से मिलने 31 को जाना है शेखुपुरा शरीफ। जाते तो अल्लाह वालों की बारगाह में, अल्लाह बड़ा खुश होता है। जैसे आप कभी खुश हुए या हमेशा ही मुंह बना रहेगा, कभी तो खुश होना चाहिए। यानी जिनकी शादियां हो गई हैं वो भी खुश नहीं है, और जिनकी शादी नहीं हुई वो भी खुश नहीं है, तो ये क्या करेंगे, कैसे खुश? को पटाखे छोड़ने पड़ेंगे हमें? अभी तो बेहतर है कि चाय पी लेते हैं, चूंकि अब पटाखे तो है नहीं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक आज हमने कप जो है
अरीबा फैमिली को गिफ्ट किया है? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन अपनी जिंदगी में लेकर आना है। अगर डिसिप्लिन सीखना हो तो आर्मी वालों से सीखा जा सकता है, उनका हर काम वेल प्लान्ड होता है और इन टाइम होता है, जबकि हमारी तो नमाज भी बेटाइम की होती है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो सैरी साकिब, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह 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 अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनी तो की थैंक यू वेरी मच फॉर कंफर्मिंग, और नेवर मिस द चांस। जिंदगी ऐसे ही है जैसे लाला जी कल तक चक्री के, जो ये लाला जी हैं बड़े मशहूर और बड़े सोशल और बड़े अच्छे इंसान थे, पूरे कह लें कि पूरी चक्री के ये दादाजी थे, चले गए और शायद ये 4-6 महीने बीमार भी रहे बेचारे। तो जिंदगी तो जिनको सेहत मिली है दे मस्ट थैंकफुल टू दी अल्लाह सुबहान व तआला। हर हाल में अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि हम सेहतमंद बैठे हैं, ठीक बैठे हैं, खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है। जिनके हाथ और पाँव नहीं है, दांत नहीं है, आंखें नहीं है, वो क्या करते होंगे बेचारे। तो बाहर वेरी नाइस के आज हमें दूध जलेबी मिली है, तो कुछ लग रहा है मोटे मोटे हमें एकदम ही, मतलब इधर खाते हैं उधर असर हो जाता है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन वाले वसल्लम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन वाले वसल्लम। हमारा जो तजर्बा है उसके मुताबिक जितने खजाने अल्लाह सुबहानहु व तआला के हैं, उनके जो कहने दुनिया में जिनको इख्तियार दिया है उनकी ये तस्वीर हमें पीछे लगाई है। इनमें बाबूजी अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह, सरकार पाक बड़ीदा शरीफ। कल हमने बताया था कि जो बांझ लड़की है उसको अगर 9 बेटे बेटियां ले दी और माँ बाप हाथ जोड़ते कि बस अब और नहीं चाहिए, तो अपनी झोलियों को भर लीजिए। फिर हमारे पीर और मुर्शिद की शान तो ये है कि ये बादशाहों को भी मिला नहीं करते थे, लेकिन जो मिल जाए उसको छोड़ा नहीं करते थे। अब आपकी बारी है कि अगर आपने कुछ लेना है तो लैंड बनाओ, तो टिकट कटाओ, बस जिसको जो सहूलत मिलती है। मरी शरीफ में भी हमारा आस्थान है, वहाँ आप जा सकते हैं, लेकिन हमारे पीरखाने के अदब अदाब को मैनेज करना है, सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करना है, यानी अपनी मनमानी नहीं करनी है। एक तरीका यही होता है कि हमारी जो कीमत होती है वो सिर्फ आपके अदब और आदाब और एक मुस्कुराहट ही होती है। अगर मुस्कुराहट कीमत है तो पैसे से तो ज़्यादा बेहतर है, और किसी के साथ हंस के मिलना, मुस्कुरा के मिलना, ये भी एक सदका जारी है। तो सदका देने से आपको खैरात की तौफीक मिलती है, और जो लोग सदका और खैरात देते रहते हैं उनको ज़कात की तौफीक मिलती है। यानी ज़कात तो आप जानते हो कि अमीर लोगों के, वो अमीर यानी जिनके पास पैसा होता है उन पर लाजिम होती है। तो अगर आप सदका खैरात नहीं करेंगे तो बात कहाँ से बनेगी। और जितने लोग बीमार हैं वो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़कर पानी पे दम करके वो पी लें या पिला दें। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। यानी तो खीर इतने सारे फूल में कहाँ रखूंगा, जगह तो है नहीं पहले। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल्हम्द और अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। ये नमाज में पढ़ा जाता है, और कलमाए शहादत ठंडा ठारे। तो अब आपने देखना है कि क्या आपके गुस्से में कमी आ रही है, यानी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जो लोग पढ़ते रहते हैं, और कैसे पता लगता है कि क्या उनकी कबूलियत हो रही है। तो उनकी ज़िंदगी में ही उनकी कैफियत बदलती है, हालात बदलते हैं, मामलात बदलते हैं, और गुस्सा ख़त्म होता है, हमदर्दी आने लग जाती है, प्यार मोहब्बत होने लग जाती है, और ये जो दुनिया से नफरत ने दिल में डेरे डाल लिए ये ख़त्म हो जाते हैं। दुनिया अच्छी लगती है, फिर दिल करता है दुनिया को फतह किया जाए। और दुनिया को फतह करने से मुराद ज़मीनों पे कब्जे करना नहीं, किसी के जूते चुराना नहीं और गाड़ियाँ उठाना नहीं, बल्कि दिल जीतना है। अगर एक बीवी, बड़े सीरियस बात है ये, जितनी जिनकी बीवियाँ हैं वो भी गौर करें कि अगर एक बीवी अपने मियाँ का दिल नहीं जीत सकती तो वो क्यों इतना मैच खेलती है, फिर क्यों जीत और हार के। और अगर एक मियाँ अपने बीवी का दिल नहीं जीत सकता तो क्या कर सी बढ़ाओ।
तो ध्यान करें आप, वक्त नहीं है छूटे, जाहिर है ये तो चल सो चल की दुनिया है, आज नहीं तो कल सब चले जाएंगे। तो जितनी भी यानी नाराज बीवियां हैं वो राजी होते हैं अपनी बीवियों से, और जितने के लिए ये मौला जट किस्म के वो जो हैं शोहर, वो भी थोड़ा सा हाथ हौला रखे, क्योंकि ये सारी बहनें हमारी हैं और इनका ख्याल रखना आपकी ड्यूटी है। तो अल्लाह फजल करे, करम करे। और एजाज अहमद मलिक साहब, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मलिक साहब कैसी चल रही है जिंदगानी आपकी, एस्टोनिया में कैसा हो रहा है? और ये जो पीछे छतरी लगी है, इस छतरी के साए तले हम एक हैं और नेक हैं। बस ये जो एनसीसी पाक फैमिली है, अल्लाह का इस फैमिली पर बहुत फजलो करम है, और आप लोग चुप करके बैठ जाएं, मालिक का फजल होगा, लेकिन दुरुशी पढ़नी है। और कारी फारूक साहब जो हैं वो भी गैब हैं, तो वो उन्होंने भी अपने इलाके में पीरी फकीरी जगा ली है ना, तो फिर भी ऐसे पीरों से भी गुजारिश है कि वो हमें मिल लिया करें महीने में, आधे महीने में, क्योंकि राह पे तक नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मोहम्मदिन अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मोहम्मदिन अलैहि वसल्लम। एक बात फिर बताकर आपसे इजाजत लेते हैं, बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एक इलाका है, उस इलाके में एक मिर्जाई कादियानी रहता है, मियाँ बीवी बच्चों समेत MBBS। उसने थोड़े ही अरसे में इतनी मेहनत की कि 100 घरों को कादियानी कर लिया। तो अब आप क्या करेंगे? आप ऐसा करेंगे वो ले लें, क्या नाम है, मेहंदी ले लें, मेहंदी लगाएं खूब अच्छी सी, और क्या कर सकते हैं? चूंकि वो जो एक फैमिली थी वो किसी मकसद के तहत एक इलाके में आई थी, उसने 100 घरों को कर लिया। और जब 100 घर कादियानी हो गए, काफिर हो गए, तो फिर उनके खिलाफ इलाके के जो तंजीमें थी, उलमा इकराम थे, उन्होंने शोर शराबा शुरू कर दिया। अब उन्होंने 100 घरों तक काम किया, अब आगे जो 100 घर 1000 घर वो ये उलमा इकराम ही बना देंगे खुद, जिनको नहीं भी पता था उन्हें भी पता लग गया। तो ये जो आप लोग हैं, हमें समझ नहीं आ रही कि आपको क्या बताया जाए, कि कैसे इस बात को आगे फैलाया जाए कि अल्लाह सुबहानहू व तआला वाहदहू ला शरीक, और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, कोई अब रसूल नहीं आएगा, कोई नबी नहीं आएगा, और दीन भी मुकम्मल है, इसके भी आगे पीछे नहीं जा सकते। यानी जैसे पहले अम्बिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते थे, उनके बाद दूसरे नबी तशरीफ लाए, तो दीन भी बदल गया, यानी जीने का स्टाइल भी बदल गया। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को मुकम्मल किया है ना, तो अब दीन में कोई चेंज हो सकती है? और ये जो चेंज आती है दीन के अंदर, इसको बिदअत कहते हैं। बिदअत का मकसद ये होता है कि जैसे हमारे एक दोस्त है ना, तो वो तशरीफ लाए, हमने 6 कुर्सियां रखी कि 6 दोस्त आएंगे तो आराम से बैठेंगे, तो एक दोस्त ने एक कुर्सी हटाई और इधर करके अलहदा करके बैठने लगे, तो हमने उनको कहा कि कुर्सी वापस रखी और जहाँ रखी थी वहीं बैठे। आप इसी तरह दीन के अंदर भी चेंजेस लाते रहते हो, आप समझते हैं हम कैसे समझाते हैं और कैसे डांटते हैं, कि जैसे आपने कुर्सी हटा ली अपनी जगह से, इसी तरह दीन के अंदर भी आप लोग अपनी मनमानी करते रहते हो। इसीलिए दीन दीन ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा इतबार ना रहा। तो जिंदगी के अंदर दुनिया में जितने भी मजाहब हैं, कोई भी मानने वाला अपने अपने मजहब उसमें चलते ही नहीं, मन मानी बस, अल्लाह अकबर। इसी मन को देखकर तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि मस्जिद तो बना दी शबर में ही माँ की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन ना सका, वरना एक नमाज ही मत करती थी इंसान को इंसान बनाने के लिए, सब कुछ वहीं से सीख लेते, एक रोजे से समझ आ जाती कि पेशियंस क्या होता है, सबर क्या होता है, शुक्र क्या होता है, और ब्रेकें कैसे लगानी पड़ती हैं जीटी रोड पे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। Allah 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 Subhanahu wa Taala हमारे सब दोस्तों पर खुल खुला के रहमत कर, खास तौर पे नोटों की बारिश कर दें और लंबे लंबे प्लाट दे दें, यानी इतने लंबे दे दें कि जो उनसे संभाले ही ना जा सके, और लंबी लंबी गाड़ियां, बड़ी बड़ी लेटेस्ट मोबाइल भी अच्छा सा, अल्लाह ही दे सकता है, कमाने से मुश्किल है जो हमें
समझ में आई कि वो एक वाहदहू ला शरीक है जो बच्चों को जिंदगी भी देता है और पालता भी वही है। सारी दुनिया के जितने भी आलमीन है सबको उसी ने संभाला हुआ है, उसके फजलो करम से बात बनी हुई है। लेकिन जो तरीका कार है जिंदगी का, मोड ऑफ लाइफ, जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो होने चाहिए जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनायत फरमाई। जिंदगी उसके मुताबिक होनी चाहिए। और मिनिमम काम जो आपने करना है कि आपकी जुबान से, आपके हाथों से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। और जिन्होंने दूध जलेबी खिलाई उनका भी शुक्रिया, क्योंकि शुक्रिया करेंगे तो दोबारा भी लाएंगे, फिर हमें बार बार शुक्रिया करने का मौका भी मिलेगा। तो लेट मी थैंक यू अगेन एंड अगेन। तो अच्छे काम करने, और उस्मान इकबाल से हम बात करना तो नहीं चाहते थे और करना भी चाहते थे, नहीं करेंगे तो उसे पता क्या लगेगा कि इतनी सादगी क्या चीज होती है। यानी अब आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप समझदार हुए तो मुझे SMS या WhatsApp करना कोमल खान। और चूंकि ऐसा था कि किसी दोस्त ने बाहर के मुल्क से हमसे कहा कि हमें गुलजारे सरवरी और ये जो आपकी दो किताबें हैं ये चाहिए, किसी तरह आप भिजवा सकते हो, तो हमने कहा भेज देंगे, कोई मसला नहीं है। वो चूंकि हमारे आस्थाने से मिलती हैं, हजार हजार रुपए की किताबें थी, हमने दोनों किताबें ले ली। और जब हम DHL गए, हमें नहीं पता था कि दुनिया में इतनी यानी मसाइल हैं। तो जब DHL गए तो उन्होंने कहा जी ये तो बाहर जा ही नहीं सकती, चूंकि इस्लामी किताबों के ऊपर बाहर के ममालिक भेजना ही मना, इट्स नॉट अलाउड। अब चूंकि हमने वादा तो कर लिया था, तो उस्मान इकबाल, जब हमने कोई बात ठान ली, फिर मान ली, फिर जान ली, फिर करके ही रहे, किताबें हमने भिजवाई दी। किसी भी तरह हमने वो दो किताबें उस बंदे तक पहुंचाई जिसकी डिमांड थी। तो चूंकि उस्मान इकबाल की मतलब वजह से हम बैठे, इंतजार में रखा उड़ीक दिया, दरवाजा मार दिया, और हमें ये समझ में आया कि तो बहुत सादा आदमी है, ये अगर एक काम नहीं कर सके, आगे तो बड़े इम्तिहान है, बड़ी जिंदगी है, बड़ी लाइफ है, तो क्यों लाइफ बनती नहीं है कि खुशहाल तरीन कंट्री में रहते हुए भी लोग अगर खुशहाल नहीं होंगे, इट मीन्स दे आर नॉट मैनेजिंग द लाइफ। ठीक है कुछ चीजें मतलब हलाल होने के बावजूद पाबंदी होती है, लेकिन हमने अगर कोई चीज भेज दी तो उस्मान इकबाल ने अभी तक क्यों नहीं चीज भेजी जो हमसे प्रॉमिस भी किया था। क्योंकि आंखें और दिलियां रहेंगी सारी उम्र हम बैठे रात तक, राह पे ही तक नहीं है। दोबारा अगर समझदार हुए तो काम को समझे, जिसने जो करना होता है उसने करना ही होता है। और अगर ऐसे जिंदगी को खेल तमाशा बनाएंगे तो ये दुनिया इसीलिए तो आज उस स्टेज पर आ गई है जहां पे लोग हमें कहते हैं जब सर से पानी गुजर जाएगा फिर सिद्दीकी साहब आप कुछ करेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से पानी गिट्टे गोड़ों पे भी नहीं आएगा अल्लाह के फजल से। तो उम्मीद है कि आप रूहानी तरक्की, दीनी तरक्की और दुनिया को काबू करें जैसे दुनिया वालों ने किया है, तो उनके घोड़े अकेले घास खाते हैं क्योंकि घोड़ा गोश्त तो खाता नहीं। और चूंकि जानवरों की भी एक शरीयत होती है जैसे इंसानों की शरीयत होती है कि हर शख्स को जीने का, इसी तरह जानवरों को भी, कि कुत्ता जो है उसके आगे अगर आपने खीर बना के रखी तो वो नहीं खाएगा, उसे गोश्त ही खाना है। घोड़े के आगे गोश्त रखोगे वो नहीं खाएगा, उसे तो घास खाना है। तो दुनिया को काबू करें और दुनिया के सारे मामले ऐसे ऐसे हल होने चाहिए रातों रात। अगर इस तरह 6-6 महीने लटके रहे कहाँ जाएंगे हम लोग, क्या करेंगे। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो हानिया खान थैंक यू वेरी मच। कभी हो सकता है कि चक्कर लग जाए तो पकोड़े तैयार रखना, सर्दियों के सीजन में चाय और पकोड़े बाजार बड़ा मजा करते हैं। अल्लाह हू अकबर। और वो जो सुबह का सबक है, किसी के घर जाया करे तो वहां बैठकर सूरह यासीन शरीफ, दुरूद शरीफ और दोनों रुबाइयां पढ़कर फिर ये चाय और पकोड़े चलने चाहिए। पहले अल्लाह का जिक्र, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, किसी भी वक्त दी एंड हो सकता है। यानी अब जो एंड है वो बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए। फिल्म जब आप देखते, आप नहीं देखते होंगे, नेक लोग कहाँ देखते हैं, तो हमारे जैसे लोगों के लिए वो बनाते हैं सारे बेचारे। तो फिल्म जब बन रही हो और एंड अच्छा ना हो, या ड्रामा एक चल रहा है एंड अच्छा नहीं है, तो भी सारी मेहनत जो है वो हकारत जाती है। इसलिए इंसान की जिंदगी खुद एक फिल्म की मानी है, एक ड्रामा है पूरा।
इसका एंड अच्छा होना चाहिए, जनाजा सही तरीके से निकलना चाहिए। तो इसलिए अभी चूंकि हम क्लोजिंग सेरेमनी के करीब तरीन है तो काम अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन जो डिले है हमारे दोस्त ढीले ढाले, यानी चार बीमारियां थी, अगर आप उनसे ही अवॉइड नहीं कर सकते, लापरवाही, बेवकूफी और दो कौन सी थी और सुस्ती, गफलत, लापरवाही और बेवकूफी, ये बीमारियां चार, इससे निकलना है, मैनेज द लाइफ जो हमने चाहना है दुनिया के अंदर। हीरोइन भी तो स्मगलिंग होती है ना एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, तो उस्मान इकबाल अभी तक वो पता नहीं क्या भेज रहे थे, आईपैड भेज रहे थे तो आए नहीं, और इट्स टू लेट और बेहतर है अब ना भेजना, चूंकि मैं यहाँ से ले लूंगा। और लेकिन याद जरूर कराना था कि क्या इतना इंतजार करते तो हम बूढ़े नहीं हो जाएंगे। अल्लाह हू अकबर। तो थैंक यू वेरी मच हानिया खान, इंशाल्लाह आएंगे, अल्लाह ने फजल फरमाया तो जरूर आएंगे, पकौड़े खाएंगे और वहाँ जिक्र भी करेंगे, महफिल भी सजाएंगे। तो आई होप के आज का भी तरीकाकार ठीक रहा है और थोड़ी बहुत डिले तो होती है, हमें टाइम इतनी स्पीड से जा रहा होता है कि हमने अगर आज 8:30 कहा तो हमें 9 बजे एहसास हुआ कि 8:30, तो आधा घंटा पहले ही बज चुके हैं। तो इसी तरह जब हम 40 साल के हुए तो हम ये सोचने लगे कि अभी कल तो पैदा हुए थे, 40 साल गुजर गए और हमें पता ही नहीं लगा, और अब हम सोचते हैं कि ओह 60 साल गुजर गए पता ही नहीं लगा, इतने बड़े हो गए हम। वेरी सैड, हमने वक्त का ख्याल ही नहीं किया, जिंदगी का ख्याल नहीं किया। तो स्टिल देर इज अ टाइम कि आप ज्यादा से ज्यादा दुरूशी पढ़ लें और अल्लाह से ताल्लुक बना लें। ताल्लुक कैसे बनता है, कहीं खाना खिला लें, कहीं किसी को चाय पिला लें, कहीं किसी की मदद कर दें, किसी के स्कूल की फीस दे दें, कोई पत्थर पड़ा है तो उसको हटा लें। बस अल्लाह तो ऐसे, अल्लाह की अपनी मर्जी है, बस वो जिससे भी चाहे राजी हो जाए, वरना सारी उम्र एक पाँव पे खड़े होकर भी आप अल्लाह अल्लाह करते रहे, नई मर्जी मालिक की तो नहीं। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। तो थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह फिर हम चले तो हमारे संग संग नजारे चले, हम चले तो हमारे चले। अल्लाह वाली पार्टी आज, अल्लाह वाली फैमिली आई हुई है ना, इनका नाम देखे हमने ऐसे ही रख दिया, और ये सच्चे सुच्चे खरे लोग हैं, खरे लोग जाने हैं। जैसे सोना नहीं खरा होता, तो इंशाल्लाह अल्लाह करे कि हम हीरे मोती तैयार कर सके और दुनिया को काबू कर सके। दुनिया ने आपको दिया क्या और दुनिया की परवाह करेंगे, छोड़ो फिक्र दुनिया की। यानी तो कीर अब दोबारा रिमाइंड नहीं कराऊंगा और आप ही की गाड़ी में जाना है मैंने। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह।